इंडियन आइडल में लोग अब पवनदीप की तारीफ कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया है पवनदीप ने, हम आपको टीवी तमाशा पर बताने जा रहे हैं। पवनदीप को लोग अब ट्रू जेंटलमैन कह रहे हैं। दरअसल उन्होंने ये हरकत किसी और के साथ नहीं अरुणिता के साथ की, जब वो डांस के लिए मंच पर गए। लेकिन उसके बावजूद जो है पवनदीप की इस हरकत ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। क्या किया पवनदीप ने, हम आपको टीवी तमाशा पर बताने जा रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं कि करण जौहर इस बार स्पेशल गेस्ट बनकर आए हैं और ऐसे में टॉप 6 कंटेस्टेंट उनके सामने परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अरुणिता कांजीलाल करण जौहर को कहेंगी कि मुझे आपकी फिल्म कुछ कुछ होता है कि अंजलि राहुल बहुत पसंद है, मुझे राहुल जैसा ही कोई लड़का चाहिए। जिसके बाद करण जौहर कहेंगे, जैसे हर अंजलि को राहुल की जरूरत है वैसे हर अरुणिता को पवनदीप की जरूरत है। जिसके बाद अरुणिता और पवनदीप डांस करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पूरे डांस ने लोगों को जहां बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कर दिया, हर कोई पवनदीप और अंजलि की केमिस्ट्री देखता रह गया। वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिनका ध्यान पवनदीप की इस हरकत पर गया। दरअसल पवनदीप ने अरुणिता का हाथ तो पकड़ा लेकिन उनकी कमर पर हाथ नहीं रखा और अपने आप को जो है हाथ दूर रखकर मुट्ठी बना ली, जिस पर लोग उनकी इस हरकत पे काफी इंप्रेस दिखे। एमसी स्पैम लिखते हैं, दिस मैन डिड नॉट पुट हिज हैंड ऑन हर वेस्ट। मनीष तिवारी लिखते हैं, एक बात नोटिस करने वाली है, डांस करते समय पवन ने अरुणिता के कमर पर हाथ नहीं रखा, ये दिखाता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। प्राउड टू बी अ पवनदीप फैन। खुशी लिखती है, ही डिड नॉट टच हर वेस्ट, दैट्स व्हाट रिस्पेक्ट इज। लेजर लिखते हैं, वन थिंग आई हैव नोटिस, पवन ने कमर पर हाथ नहीं रखा, मे बी शर्मा रहा हो या ऑकवर्ड लग रहा हो, फिर भी आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ये अरुदीप रियल नहीं लगते। तो एक बात तो तय है कि पवनदीप की इस हरकत ने वाकई में सभी को अट्रैक्ट किया है और सभी ने पवनदीप की इस बात की तारीफ की है कि भले ही मेकर्स ने उन्हें ऐसा करने को कहा हो या उन्होंने अपने दिल से किया हो, पर उन्होंने अरुणिता को डांस के दौरान बिल्कुल भी टच नहीं किया और उनकी कमर पर हाथ नहीं रखा। और पवनदीप की ये बात जो है उनके फैंस को बहुत पसंद आई और अब पवनदीप को ट्रू जेंटलमैन का नाम मिल गया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी तमाशा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।